अगर मुझसे कोई पूछे ना कि मैंने 3 महीने में ये 20 किलो वेट लूज कैसे किया, तो मेरे पास बताने के लिए ढेर सारी टिप्स होंगी, बट उस पूरी लिस्ट में नंबर 1 पे सिर्फ एक चीज होगी और वो है प्रोटीन रिच डाइट। और इस प्रोटीन रिच डाइट से जब मुझे इतना बेनिफिट मिला तो मैंने इस प्रोटीन के बारे में पढ़ना शुरू किया, खूब सारी रिसर्च करी और अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको इस प्रोटीन के बारे में बताया। प्रोटीन सिर्फ वेट लॉस में ही हेल्प नहीं करेगा, ईट मोर प्रोटीन। प्रोटीन हमारे मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं, बट वेट लूज करने के लिए कितना लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है, इन सब क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मैं आज आपके साथ अपना 1 डे डाइट प्लान शेयर करने जा रही हूँ। ये 1200 कैलोरीज का प्लान न्यूट्रिशियस है, होम बेस्ड फूड है, टेस्टी है, हेल्दी है, प्रोटीन रिच है और आपको वेट लॉस में बहुत बहुत हेल्प करेगा। एंड गाइस, नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, फिश, चिकन, एग्स, मीट, बट वेजिटेरियंस को अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है वो आज हम इस वीडियो में देखते हैं। सो आज की वीडियो में नॉलेज के साथ साथ मैं आपके साथ रेसिपीज भी शेयर करने वाली हूँ और बीच बीच में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। तो चलो शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे वेजिटेबल ओट्स उपमा। इसे बनाना बहुत ही इजी है। ओट्स उपमा बनाने के लिए मैं 1 कप रोल्ड ओट्स को रोस्ट कर रही हूँ। उसके बाद सेम कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल के उसमें जीरा, राई, 1 चम्मच चने की दाल एंड करी लीव्स डाल के पकाएंगे। फिर इसमें अनियन डालेंगे और बाकी की सारी ग्रीन वेजीज जो भी आपको पसंद है, जैसे कि कैप्सिकम, कैबेज, बीन्स, मटर एक्सेट्रा। और अब इसको थोड़ा सा पका के इसमें हम बेसिक मसाले डालेंगे लाइक सॉल्ट एंड हल्दी। इसके अलावा आप इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो, धनिया पाउडर भी डाल सकते हो, जो मसाला आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हो। एंड अब इसको पकाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको 5 मिनट्स के लिए कवर करके रख सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे एंड 1 कप रोस्ट किए हुए ओट्स डालेंगे और बस इसको एक अच्छा सा मिक्स देके इसको 5 मिनट्स के लिए कवर करके रख दो एंड डन। सो रेडी हमारा ओट्स उपमा। और इस 1 कटोरी ओट्स उपमा में है अराउंड 220 कैलोरीज एंड 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ओट्स इज अनडाउटेडली अ ग्रेट चॉइस फॉर ब्रेकफास्ट। और क्योंकि ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है सो इसको वीगन्स या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग भी इजीली खा सकते हैं। इसकी जगह आप कीनुआ भी ले सकते हो क्योंकि उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की वजह से उसको सुपर फूड भी कहते हैं। अच्छा एक फन फैक्ट, आपको पता है कि कीनुआ सिर्फ इस प्लैनेट पे नहीं खाया जाता बल्कि बाहर भी खाया जाता है। हाँ, सो एस्ट्रोनॉट अपने साथ कीनुआ सैलेड कैरी करते हैं ताकि उनको स्पेस में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ना हो। Now is the time for midday snacks, which is also my pre-workout. I'm having an apple with 1 spoon of almond butter, जिसकी जगह आप peanut butter भी ले सकते हो। और इस गजब के combination के बारे में मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। This is nutritious as well as healthy. So इस plate में 147 calories के साथ 3 grams of protein है। इसकी जगह पे you can also have a cup of black coffee with soaked almonds. Okay, so here's a fun fact. Do you know that apple is a natural replacement for black coffee? क्योंकि एक एप्पल आपको उतनी ही किक देता है जितनी की 1 कप ब्लैक कॉफी। तो अगर आपको कैफीन फ्री किक चाहिए तो एप्पल खाइए। सो गाइस, वर्कआउट तो हो गया, अब क्या? अब पोस्ट वर्कआउट। और पोस्ट वर्कआउट के लिए मैं लूंगी प्रोटीन शेक और उसके लिए आई एम हैविंग एज इट इज का प्लांट बेस्ड सोय प्रोटीन, जिसके 1 स्कूप में है 100 कैलोरीज और 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एंड प्रोटीन की इस क्वांटिटी को अदरवाइज डायरेक्ट फूड से पूरा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उस केस में हमें काफी सारा खाना लेना पड़ेगा जिसकी वजह से टोटल कैलोरीज भी बढ़ जाएंगे। और यही रोल होता है प्रोटीन सप्लीमेंट्स का, मतलब कि प्रोटीन के सोर्सेज से सिर्फ प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके पाउडर्ड फॉर्म में आपको देना। बट दैट डजंट मीन कि सप्लीमेंट्स ही आपका प्राइमरी सोर्स होगी, और प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन शुड बी फूड ऑलवेज। तो इसको बनाने के लिए मैं 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर डाल रही हूँ, उसके बाद ये प्री वर्कआउट का बचा हुआ एप्पल एंड सम चिल्ड वाटर। ऑल्सो गाइस, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट्स के इतने बेनिफिट्स होते हैं सो इसीलिए इसकी डिमांड भी ज्यादा है, और जिस चीज की मार्केट में डिमांड होती है उसकी अडल्ट्रेशन भी की जाती है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हो वो ऑथेंटिक हो एंड प्योर हो। एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंपनी, दिस सप्लीमेंट इज थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड, सो इसके जेन्युइन होने पे कोई डाउट नहीं है। और क्योंकि ये कम्प्लीटली अनफ्लेवर्ड है, इसमें कोई प्रेजर्वेटिव, फिलर, शुगर या फ्लेवर नहीं है, तो आप इसमें अपनी मर्जी का कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट और हनी और एनी फ्रूट ऑफ योर चॉइस, जैसे मैंने इसमें एप्पल डाला।
सो दिस इज आवर सोए प्रोटीन विच इज अ प्लांट बेस्ड प्रोटीन. सो इसलिए ये वीगन या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए भी परफेक्ट चॉइस है. इसे आप या तो इस तरह डायरेक्टली शेक की फॉर्म में ले सकते हो या फिर आप इसे रोटी, इडली, पैनकेक, इनके बैटर में मिक्स करके भी यूज कर सकते हो. इस तरह इसको कंज्यूम करना और भी ज्यादा ईजी हो जाएगा. एंड इमेजिन हैविंग अ प्रोटीन रिच रोटी. इस प्रोटीन को कंज्यूम करने से ना सिर्फ वेट लॉस में हेल्प मिलेगी बल्कि दिस इज ऑल्सो गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, योर बोन्स, एंड साथ में पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है. और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. प्रोटीन को आप सुबह या शाम कभी भी ले सकते हो बट इसको लेने का बेस्ट टाइम आफ्टर योर वर्कआउट है क्योंकि उस समय आपकी मसल्स को रिकवरी के लिए प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. और अब हम मिलते हैं लंच पे. एनी गेसेस कि मैं क्या बना रही हूँ? ये एक डेयरी बेस्ड प्रोटीन का वेज सोर्स है. अगर गेस कर सकते हो तो जल्दी से कॉमेंट्स में बताओ. मैंने कढ़ाई में डाला है एक चम्मच बटर, उसमें जीरा, देन गार्लिक, उसके बाद अनियन, कैप्सिकम एंड चॉप टमेटो. अब इसके ऊपर से सॉल्ट, देन हल्दी, देन रेड चिली पाउडर. और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें डालेंगे क्रश्ड पनीर. सो हम बना रहे हैं पनीर भुर्जी. अब इसको अच्छे से मिक्स कर लो और उसके बाद इसके ऊपर कोरिएंडर डाल दो. सो रेडी है हमारा लंच जिसमें है एक कटोरी पनीर भुर्जी, दो चपाती और साथ में बटर मिल्क. और इस पूरे मील में प्रिसाइजली कैलोरीज हुई 427 और प्रोटीन हुआ 16.5 ग्राम्स. पनीर एंड बटर मिल्क दोनों ही प्रोटीन के डेयरी बेस्ड सोर्सेज हैं. बटर मिल्क जो कि कर्ड से बना है, इट्स अ वेरी गुड प्रोबायोटिक जो डाइजेशन में भी हेल्प करता है. सो इसको आप अपने डेली मील्स में इंक्लूड कर सकते हो. एंड पनीर, इसमें प्रोटीन के साथ साथ फैट की क्वांटिटी भी ज्यादा होती है. सो इसलिए इसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाना चाहिए. इसको वॉल्यूम देने के लिए आप इसके अंदर कोई भी ग्रीन वेजी ऐड कर सकते हो जैसे मैंने की शिमला मिर्च की. और एक रोटी में भी 3 ग्राम्स प्रोटीन के साथ साथ 128 कैलोरीज होती हैं. सो अगर ज्यादा रोटी खाएंगे तो टोटल कैलोरीज भी बढ़ जाएंगी. सो बेसिकली हमें अपने प्रोटीन एंड टोटल कैलोरीज की रेशियो को देखना है और वो फूड आइटम्स चूज करने हैं जिसमें प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा है. ये वेट लॉस के लिए भी अच्छा है बट देन देयर हैज टू बी अ लिमिट टू इट. सो हमें एक दिन में कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए ये हम जानेंगे इवनिंग स्नैक्स के साथ. एंड गाइज, इवनिंग स्नैक्स में हम बना रहे हैं स्प्राउट चाट. इसके लिए एक पैन में लेंगे थोड़ा सा घी या फिर कोकोनट ऑयल या बटर, और इसके अलावा प्याज, हरी मिर्च एंड टमाटर. इन सब चीज़ों को हम कढ़ाई में डाल देंगे. हमें इन सब चीज़ों को पकाना नहीं है, सिर्फ सौते करना है. सो आप ये सारी चीज़ें एक साथ डाल दो एंड साथ में ही स्प्राउट्स, देन सॉल्ट, रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा चाट मसाला. और इसके साथ में डाल रही हूँ एक चम्मच घर की बनी हुई पुदीने की चटनी. एंड दैट इज इट. नाउ गिव इट अ टॉस एंड यू आर डन. बढ़िया मौसम में यूँ बाहर बैठ के खाने में किसको मज़ा नहीं आता. अगर आप भी मेरी तरह यूँ मौसम को इन्जॉय करके खाना पसंद करते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. और इस 100 ग्राम स्प्राउट चाट में है 90 कैलोरीज और अराउंड 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. इसकी जगह पे आप चना चाट या फिर मिक्स बीन चाट भी ले सकते हो. सो गाइज, हम बात कर रहे थे कि हमें एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए. वेल, ये डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे, जैसे कि आपकी एज, हाइट, बिल्ड, एक्टिविटी लेवल और फिटनेस गोल क्या है. बट इन जनरल अगर हम एक डर की बात करें तो ऑन एन एवरेज किसी को भी 1 ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट लेना चाहिए. जैसे कि अगर कोई 60 केजी का है तो उसको एटलीस्ट 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स लेना चाहिए. बट डज दैट मीन कि अगर कोई 120 किलो का है तो उसको 120 ग्राम प्रोटीन लेना होगा? ऑब्वियसली नहीं. सो इसलिए प्रोटीन का इनटेक कैन बी अ सब्जेक्टिव थिंग. अगर आपको कोई अपना फिटनेस गोल अचीव करना है सो उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट से ही अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट के बारे में पूछो तो सही है. एंड गाइज, अगर आप वेट लूज या वेट गेन करने के लिए एक बैलेंस्ड होम बेस्ड डाइट प्लान चाहो तो उसके लिए आप मेरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में भी एनरोल कर सकते हो जिसके अंडर मेरे सर्टिफाइड एंड एक्सपर्ट डाइटिशियंस आपको आपके हिसाब से कस्टमाइज डाइट प्लान बना के देंगे. एवरी वीक काउंसलिंग कॉल होगी, 24 आवर्स व्हाट्सएप सपोर्ट के साथ साथ वीडियो गाइडेड वर्कआउट प्लान भी दिया जाएगा. हर दिन बहुत से लोग इस प्रोग्राम में एनरोल करके अपने फिटनेस गोल्स अचीव कर पा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनकी इस जर्नी में कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ. अगर आप इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहो तो मेरी वेबसाइट gunjanshouts.com पे जा सकते हो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. और गाइस, अब हम मिलते हैं डिनर पे. टुडे आई एम मेकिंग छोले की सब्जी एंड आई जस्ट केम बैक फ्रॉम अ वॉक. एंड जाने से पहले मैं छोले बॉइल करके गई थी. अब इसको तड़का लगाएंगे जिसके लिए मैं एक कढ़ाई में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले रही हूँ. टू दिस वी विल ऐड जीरा, सम चॉप्ड अनियन एंड कटी हुई हरी मिर्च और इसको थोड़ा सा पका के कटा हुआ टमाटर.
और अब हमारे फेवरेट इंडियन मसाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च और हल्दी। लेट्स कुक दिस फॉर अनदर 2-3 मिनट्स एंड लेट्स ऐड दीज बॉइल्ड छोले इनटू दिस तड़का। वी विल नॉट ओवर कुक छोले क्योंकि ज़्यादा कुक करने से उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू ख़त्म हो जाती है, सो हम थोड़ा सा ही कुक करेंगे, ऑलरेडी बॉइल्ड हैं, और देन इसमें हम पानी डाल के इसको अराउंड 2-3 मिनट्स के लिए पकाएंगे एंड दैट्स इट। एंड इसी के साथ रेडी है हमारी डिलीशियस छोले की सब्जी। सो गाइज, ये रहा हमारा डिनर जिसमें है एक कटोरी छोले और 100 ग्राम कुक्ड राइस, और इस पूरी प्लेट में है 216 कैलोरीज एंड 4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। आप छोले की जगह पे राजमा, लोबिया या दाल भी ले सकते हो बिकॉज इन सब में सेम न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। और यहाँ पे बारी है एक फन फैक्ट की। डू यू नो कि सेमी बॉइल्ड छोले चने राजमा में और इनके कुक्ड वर्जन में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, क्योंकि सेमी बॉइल्ड छोले चने में प्रोटीन होता है 19 ग्राम्स और जब हम इसको पूरी तरह कुक कर देते हैं तो वो प्रोटीन सिर्फ 3-4 ग्राम्स ही रह जाता है। तो इसलिए कोशिश करो कि जितना कम कुक फूड खाओ उतना आपके लिए अच्छा है। एंड हे, डिड यू नोटिस कि इसी के साथ हमारी 1200 कैलोरीज भी पूरी हो गई हैं एंड प्रोटीन का इनटेक हुआ है 63.5 ग्राम्स, विच इज सो अमेजिंग। और अगर आपको इसके बाद भी भूख लगती है तो आप सोने से पहले एक कप दूध ले सकते हो। 1 कप ऑफ स्किम मिल्क कंटेन्स 120 कैलोरीज एंड 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, और मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो एक कंप्लीट प्रोटीन होता है, मतलब आपकी बॉडी को जो भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं मिल्क कंटेन्स दैट। आई होप आपको आज की ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर हाँ तो कंजूसी मत करो, लाइक का बटन दबा दो, और किस तरह की वीडियोस देखना चाहोगे उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे से पर्सनली कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। फिट रहो, हिट रहो।